हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा लेकिन उतना किया, और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं, इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं। फिर से आपके परिवार पर अटैक किया, कहा है इतने ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, सब लोग आप अपने परिवार में ही रख रहे हैं, बेटी को दे रहे हैं, बेटे को दे रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या बोले चाचा जी के लिए, क्या बोले मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। नहीं, मंच से उन्होंने ये बात आज कही है, इस तरह का बोलना चाहिए था। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको, एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। मंच साझा करने से भी बच रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी एक स्टेज पर। ये तो खैर उनका अपना डिसीजन है, दोनों दल जेडीयू और भाजपा के लोग क्या कारण है, तो ये तो मीडिया के लोग को पूछना चाहिए दोनों दल के नेताओं से कि आखिर कारण क्या है। हम लोग को तो बहुत सारे कारण समझ में आ रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको सार्वजनिक करिए कि आखिर कारण क्या है, क्या कहीं से उनको मतलब समझ में आ गया कि हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, बिहार की जनता साथ नहीं दे रही है इसलिए लोग अलग अलग कर रहे हैं, कि आप इधर करिए सभा हम कहीं और करें, क्या है कारण, तो यही लोग बताएंगे ना। कल 4 सीट पे वोटिंग हुई, फर्स्ट फेज खत्म हो गया, क्या रुझान, क्या फीडबैक आप लोग को मिला? जो फीडबैक हम लोग को मिला है वहाँ से कि बहुत अच्छा रहा, इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं और वो लोग जीत रहे हैं, वो लोग अपनी जीत के प्रति बहुत आश्वस्त हैं और चारों सीट। लेकिन कल के चुनाव के बाद तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम लोग 400 उम्मीद लगा रहे थे लेकिन 400 से ज्यादा पार कर जाएंगे हम लोग। हाँ, नीतीश जी तो बोले थे 4,00,004,000। रविशंकर प्रसाद जी अपनी चिंता कर लें, पटना साहिब में अपनी चिंता करें, बाकी सीटों के बारे में छोड़ दें, वो बिहार की जनता देख रही है। तेजस्वी ने भी कहा है कि फर्स्ट डे ही फ्लॉप सो हो गया, 400 पार का जो था उनका। बिल्कुल, मैंने जैसा कहा कि हम लोग मुद्दों के साथ गए थे और चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं तो फ्लॉप ही हुआ ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, अगर सीटें खाली रह जा रही है तो ये फ्लॉप ही हुआ ना।